हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम ये देखेंगे कि हमें जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन कौन सी बुक की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं प्रीफर ये करूंगा कि आज जो छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम होती है उसमें कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट होती है जो आप सभी लोग को पढ़ना चाहिए, यानी यू कैन मस्ट रीडिंग दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स इन छत्तीसगढ़। तो व्हाट टू रीड एंड व्हाट डू नॉट रीड, इसके बारे में आज देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट बुक्स में है आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ एग्जाम में जो आपका जो जो इंपॉर्टेंट बुक होती है वो आपका क्या क्या होते हैं, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हो गया, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हो गया, और आपका क्या जीएस पोर्शन हो गया, आपका फिर आ गया छत्तीसगढ़ी बोली हो गया, छत्तीसगढ़ी आपका लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी बोली हो गया, और क्या होती भाई आपका सी सेट हो गया, आपका सी सेट हो गया, फिर आपका जो भी जनरल नॉलेज बुक है उसके बारे में आपको आज बताऊंगा। तो बस यही है आज छोटी सी आप लोग को जानकारी देना है कि कौन सी बुक। देखिए सबसे पहले ये बताऊंगा कि जो हमारे जो छत्तीसगढ़ ये जो आप बुक दिख रहे हैं ना आपका हरिराम पटेल, तो इस बुक में क्या है आप छत्तीसगढ़ के जो सारे पोर्सन इसको आप कवर कर सकते हैं। तो आप लोग को तो ये बुक पता ही होगा कि जो छत्तीसगढ़ पीसी एग्जाम की तैयारी करते हैं वो बच्चे क्या पढ़ते हैं, हरिराम बुक पढ़ते हैं। और भी इसमें जीएस पोर्सन में आप क्या बुक पढ़ेंगे, जीएस पोर्शन बुक में आप पढ़ेंगे आप ये वाली बुक पढ़ेंगे टुडे यस सर की, इसमें जो आपका सामान्य जो भारत का है ना जो पूरे जीएस पोर्शन को कवर करता है। तो ये है आपका जीएस की बुक हो गया। और आपका जो छत्तीसगढ़ी भाषा में जो आपका जो हिंदी है जो सामान्य हिंदी वो क्या है आपकी एक बुक आती है आपकी ये सामान्य हिंदी, लिखी है किसने लिखा है आपका ये अनिल अग्रवाल। तो ये जो बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं भी प्रीफर करता हूँ। इसमें सारे आपका संधि उपसर्ग वाक्य शुद्धि और क्या समास हो गया, फिर आपका रस छंद अलंकार की सभी एक बुक में है। उसके बाद देखते हैं हम छत्तीसगढ़ी बोली, जो आपका ये छत्तीसगढ़ी बोली है ना आप ये बुक देख रहे हैं छत्तीसगढ़ी बोली, तो ये टुडे सर की बुक है। इसमें काफी संक्षिप्त और संचार समझाया गया है कि हमें किस तरह से छत्तीसगढ़ी बोली को प्रिफेयर करना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है आपका जो इंपॉर्टेंट, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी होगी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये सबसे अच्छी बुक है, ये है आपका लक्ष्मीकांत बुक। कौन सी है आपकी, भारतीय राज व्यवस्था। ये एक्चुअल में सिविल सर्विस या आप कोई भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करें तो ये बुक आपके लिए काफी प्रिफेयर होती है। तो ये लक्ष्मीकांत की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, मैं तो ये प्रिफर करता हूँ। और आपका जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये आपका बिपान चंद्र की बुक है आधुनिक भारत के इतिहास, इसको ना पढ़ के आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़िए। स्पेक्ट्रम की बुक है आपका ये जो है ना ये आपका सफिशिएंट होता है पढ़ने के लिए, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करिए। वैसे ये बुक तो सिविल सर्विस जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए होती है। तो ये होती है आपका आधुनिक भारत का हिस्ट्री, ये स्पेक्ट्रम राजीव अहिर ने लिखा है आईपीएस ने। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, ये हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसे पढ़ लिए पूरा ना तो आपको कोई भी एग्जाम हो चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी एसएससी जी स्टेट पीसीएस सभी एग्जाम में ये बुक काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आप ये बुक को प्रीफर करेंगे और बस यही है। और लास्ट में एक बताना चाहूँ कि आप जब भी कोई बुक को पढ़ें तो उसके तीन चार टॉपिक कोर हो गया उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। और अंत में क्या करें आप, जैसे कि आपने एक सिलेबस कंप्लीट किया उसके बाद आपने एक टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। टेस्ट सीरीज किस तरह से लगाना चाहिए, जैसे कि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, आप कोई भी आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक आप मॉक टेस्ट ले लीजिए, आप एक मॉक टेस्ट ले लीजिए, मॉक टेस्ट ले लगा लीजिए और इस तरह से आप अपने आप को इवेल्युएट करते रहिए कि क्या पढ़ना चाहिए। और ज्योग्राफी के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, देखिए ज्योग्राफी में ये 100% में ये वो करूँगा, ये भारत भूगोल ये एनसीईआरटी इसमें एकदम काफ़ी संक्षिप्त से दिया गया, ये बुक है आपकी महेश कुमार वर्णवाल ने लिखा है। तो इसमें क्या है आपका भारत भूगोल एनसीईआरटी साइड है, ये आप ज्योग्राफी पढ़िए आपके सारे पोर्शन जो डाउट है वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट जो है आपका कोई भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट कोचिंग लेते, मैं तो ये प्रीफर करूँगा कि आप जो छत्तीसगढ़ का है ना ऑब्जेक्टिव टाइप ये आप किससे लगा सकते हैं, आप लगा लिए टुडे सर की से। तो इसमें क्या है आपका सारे जो दिए रहते हैं आपका जो भी आपका टेस्ट है ईयर वाइज या फिर आप हरिराम पटेल के ले सकते हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी अच्छी तरह से अपने जो एग्ज़ाम को क्लियर करने की पूरी शॉर्टकट तो नहीं लेकिन अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी आपको जो सी सेट की तैयारी है वो सी सेट की तैयारी आप हर रोज आधे घंटे प्रैक्टिस करते जाइए। सी सेट का कोई भी आप उठा लीजिए पुराने क्वेश्चन पेपर या यूट्यूब से आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए जो आप पढ़ते हैं कोई भी बुक को तो सबसे पहले ये देखिए कि आप उसमें जो आप पुराने प्रश्नों को उठाइए, जैसे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का तरीका ये है कि आप जो पुराने क्वेश्चन हो ना उसको सॉल्व कीजिए। तो किस तरफ से स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें किस तरफ से पढ़ना चाहिए। तो बस आज की क्लास बस इतने ही। ओके, थैंक यू।